आप यहाँ पे इस पेशावर का प्रिंसिपल भी हैं, कैसे लग रहे हैं आने का? ठीक है, मेरा नाम जी डॉक्टर सामिर शरीर है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी से मैं लेक्चरर हूँ और ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ है ये पेट शो एंड बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। इससे स्टूडेंट्स में आपस में मिलने जुलने का एक रुझान है वो करके वो इंक्रीज़ हो रहा है। फिर दूसरी बात ये कि आप में पेशेंस भी आ रहा है, स्ट्रेंथनिंग हो रही है, जिसे हम कहते हैं ना कि इकट्ठे लोग आते हैं, आप अपने एनिमल्स को लाते हैं, एनिमल्स की भी लिए बहुत अच्छी ये एक्टिविटी है। और मैं कहती हूँ कि इसको अच्छे सिर्फ मेरा ये है कि इसको ज़रा मौसम जो है ना अभी बहुत गर्म हो गया है, ज़रा इसको ज़रा या जनवरी या फरवरी के स्टार्ट में करना चाहिए था ताकि जानवरों को कोई इशू और प्रॉब्लम ना बनता। सवाल पे तो जवाब का ये आप कहने की आपने जनवरी फरवरी का बताया जी जी, तो अभी इससे पहले भी ये सिर्फ प्रोग्राम ना होता है, अभी हुकूमत इस तरह करने चाहिए क्या, कैसी बात? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी और इंस्टीट्यूशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑर्गेनाइज सच गुड हेल्दी एक्टिविटीज़, नॉट ओनली इन दिस केस लाइक दिस इज़ अ पेट शो, इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ ऐसे वेराइटी शोज होने चाहिए जिसमें प्लांट्स, अगर किसी की कोई इंटरेस्ट है प्लांट्स में या कोई और हैंडीक्राफ्ट्स में आर्ट में, ये रेगुलरली करना चाहिए। देखिए हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस शुरू हो गया है, लोगों में सब्र तहम्मुल ख़त्म हो चुका है, हमें चाहिए कि इस चीज़ से जब हम इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे को कल्चर को समझते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, आपस में दोस्ती होती है, इंटरेक्शन होते हैं, लोग बेहतर तरफ जाते हैं। यहाँ के जानवरों के हवाले से कुछ कहने जाएंगे आप? यहाँ जानवर को अच्छा एनिमल्स देखें, मगर ज़्यादातर मैं डॉग्स, वैरायटी ऑफ डॉग्स देख रही हूँ, ज़्यादातर जर्मन शेपर्ड देख रही हूँ, तो फर्दर मोर एनिमल्स शुड बी इनकरेज। जैसे अब कुछ लोगों के पास बिल्लियाँ भी हैं, कुत्ते भी हैं, मगर इसके अलावा भी देयर इज लॉट्स ऑफ अदर पेट्स, अगर किसी के पास है उनकी भी इनकरेज, दे शुड ऑल्सो ब्रिंग दोज एनिमल्स एज वेल। थैंक यू सो मच।